नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस का दिल तोड़कर रख दिया है। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता और बॉलीवुड में कई लोगों के करियर को उड़ान देने वाले जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर विपिन रेशमिया का बीती रात निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर के पिता का निधन बुधवार को तकरीबन 8:30 को हुआ। उनकी उम्र 87 साल थी। हिमेश रेशमिया अपने पिता के बेहद करीब थे। वह अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ कई तस्वीरें शेयर किया करते थे। बता दें, 5 मई 1940 को राजड़ा गुजरात में जन्मे विपिन रेशमिया का म्यूजिक इंडस्ट्री में एक विशेष योगदान रहा है। वह कंपोजर होने के साथ साथ निर्माता भी थे, जिन्हें खासतौर पर साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म इंसाफ की जंग, साल 2014 में रिलीज हुई द एक्सपोज और साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 13 सुरूर के लिए जाना जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।